हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी चिल्ली चिकन। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए यम्मी सा चिल्ली चिकन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है। नमक डाल देंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देंगे। आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो और थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब एक अंडे को फोड़ के ऐसे डाल देंगे। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 2 टीस्पून मैदा डाल देंगे और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। वन टीस्पून जितना ही विनेगर डाल देंगे। आप 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको आधा घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। चिली चिकन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक कैप्सिकम और एक ऑनियन को ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लिया और आधा इंच अदरक, 3-4 लहसुन के कली और 2 ग्रीन चिल्ली को ऐसे लंबे लंबे काट लिया। और चाहिए 2 टीस्पून टोमेटो केचप, 2 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस, आप चाहे तो रेड चिल्ली सॉस भी यूज कर सकते हैं, और 2 टीस्पून सोया सॉस। और मैं एक कटोरी में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आप मैदे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए आधा घंटा हो गया है। चिकन को और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स भी हो गया है। अब इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया और ऑयल को भी गर्म कर लिया मैंने। अब एक एक चिकन पीसेस को ऐसे डाल देंगे। एक ही बार में जितना आ जाए मैं उतना ही डाल दूंगी। इसको ऐसे चलाते हुए हमें फ्राई करना है और मीडियम टू लो फ्लेम में हमें फ्राई करना है। ये देखिए थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया है और थोड़ा सा कलर आने तक हमें फ्राई करना है। ऐसे चलाते हुए फ्राई करें। ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर आया है। मैं एक किचन टॉवल में निकाल लूँगी और ऐसे ही सारे चिकन पीसेस को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारे चिकन पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया। अब चलते हैं कुक करने की प्रोसेस में। गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया और 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब कटा हुआ अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली को डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा चला जाए। अब इसमें डालेंगे प्याज और कैप्सिकम, एक साथ ही डाल देंगे। एक बार चला लेती हूँ। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। और थोड़ा सा ही शुगर डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, एकदम हल्का सा ही फ्राई करना है। ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब इसमें सारे सॉसेस को डाल देंगे। ये देखिए सोया सॉस डाल दिया मैंने। अब चिली सॉस डाल देंगे। अब टोमेटो केचप डाल देंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब एक कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, ये जो मिक्स करके रखी थी, और एक बार मिक्स कर लूंगी ऐसे, फिर डाल देंगे। इसको भी और एक बार मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे। ये देखिए धीरे धीरे करके डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको थोड़ा सा और ग्रेवी पसंद है तो एक कटोरी में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालें और उसके साथ सारे सॉसेस को थोड़ा थोड़ा डालें और थोड़ा सा पानी डाल के मिला लें। फिर पैन में डाल दें, आपका ग्रेवी बन जाएगा। ये देखिए रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी चिल्ली चिकन बन के तैयार है। अब एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बना है ये स्पाइसी चिल्ली चिकन। अब इसके ऊपर कटा हुआ ग्रीन चिल्ली डाल देंगे। आप स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हैं। ये देखिए दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरा ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर फ्रेंड्स।